कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात यूक्रेन के ऐसे फोर्स की जिसके खौफ ने रूस के कैंप में सनसनी मचा रखी है। ये ऐसी फोर्स है जो आधी रात के बाद एक्टिव होती है, हमले करती है, रात में अंधेरे में खून तक बहाती है। आखिर यूक्रेन की ये ऐसी कौन सी फोर्स है जो एक रात में पूरी की पूरी रेजिमेंट खत्म कर देती है? वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट, तोप के गोलों की गूंज, स्पेशल कमांडो के हमले। इस स्पेशल ऑपरेशन को क्यों उल्लू युद्ध कहा जा रहा है? आधी रात के बाद इस युद्ध को कौन अंजाम दे रहा है? रात के 12 बजते ही ये सेना हरकत में आती है, अपने हथियारों को तैयार करती है, दुश्मन के ठिकानों को लॉक करती है और बिना देर किए आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की खास यूनिट है। ऐसी यूनिट जो रात के अंधेरे में अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, रूस की सेना पर स्ट्राइक करती है। ऐसी स्ट्राइक जिसमें जबरदस्त फाइट होती है, वो भी तब जब लाइट नहीं होती। अंधेरा ही इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हथियार है। वक्त होता है रात के 2 बजे का। यूक्रेन की ये उल्लू सेना अब रूस के कब्जे वाले इलाके में पहुंच जाती है, जहां उनका आमना सामना होता है रूस की सेना से। लेकिन रूस की सेना इस हमले से अनजान होती है। ठीक उसी वक्त उन पर हमला होता है। अचानक धावा बोला जाता है, पूरी ताकत के साथ हमला होता है। यूक्रेन के ये स्पेशल कमांडो काल बनकर रूस की सेना पर टूटते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और सुबह की पहली किरण से पहले जीत हार का फैसला हो जाता है। नाइट ऑपरेशन 1, नाइट ऑपरेशन 2, नाइट ऑपरेशन 3। अंधेरी रात में हो रहे इस युद्ध को देख मॉस्को में मातम है। इस ऑपरेशन को क्रेमलिन में बार बार देखा जा रहा है। रूस के वॉर रूम में इस वॉर के पलटवार के लिए मंथन हो रहा है। रात के अंधेरे में हुए इस युद्ध को लेकर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के कब्जे वाले इलाके में अंदर तक घुस गई है, उस इलाके में जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन युद्ध के दौरान उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। अब उस इलाके को यूक्रेन की सेना ने रूस के खूनी जबड़े से छीन लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रोबोटिन शहर पर कब्जा कर लिया है। रोबोटिन यूक्रेन का दक्षिणी शहर, ये ज़ापोरिज़्या इलाके में। सुना आपने, यूक्रेन की सेना की ये स्पेशल कमांडो सीधे यूक्रेन के कमांडर इन चीफ को मैसेज दे रहा है। कमांडर इन चीफ मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुखातिब है। ज़ेलेंस्की से बता रहा है कि रोबोटिन शहर को रूस से छीन लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इस नाइट ऑपरेशन से जुड़े रहते हैं। वो वॉर रूम में बैठकर पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। उनकी स्पेशल फोर्स कैसे आगे बढ़ रही है, दुश्मन की सेना को कैसे अपने निशाने पर ले रही है, रात के अंधेरे में कैसे जीत का भरोसा जगा रही है। यूक्रेन का मानना है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण में रोबोटिन शहर पर कब्जा कर बहुत बड़ा काम किया है। इस ऑपरेशन ने रूस के सैनिकों के सबसे मजबूत मोर्चे को तोड़ दिया है। इस रेखा को तोड़ यूक्रेन की सेना अब और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देगी।
अपने कब्जे वाले इस इलाके में रूस की सेना ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना दिन के उजाले में रेकी करती है, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की स्कैनिंग करती है, एक एक टारगेट का चुनाव करती है, फिर रात के अंधेरे में दुश्मन का काम तमाम करने आगे बढ़ जाती है। यूक्रेन के इस स्पेशल ऑपरेशन को आप इन दो वीडियो के जरिए बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। दिन में यूक्रेन की सेना ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे की पड़ताल करती है, कहां दुश्मन ने क्या जमा कर रखा है, कहां कितने सैनिक तैनात, कहां कौन कौन से हथियार लगा रखे हैं, फिर रात में चुन चुन कर उन लक्ष्यों पर निशाना साधती है और दुश्मन को ढेर कर दम लेती है। ज़ेलेंस्की की ये खूनी ब्रिगेड कैसे लड़ती है, मोर्चों पर कैसे आगे बढ़ती है, इसका ये वीडियो देखिए। ये बखमूत का फ्रंट है और यहाँ इस ब्रिगेड के एक टुकड़े ने तूफान की तरह हमला किया है। बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे ये कमांडो अचानक एक मोर्चे पर पहुंचते हैं और फिर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। बिना डरे ये कमांडो रूस की डिफेंस लाइन पर कहर बनकर टूटते हैं। रूस की फोर्स इसका कैसे मुकाबला करेगी, ये अभी आने वाले हफ्ते तय करेंगे। वैसे अभी देखा जाए तो बड़ा नुकसान यूक्रेन को है, क्योंकि जून में जब काउंटर अटैक शुरू किया गया तो उसकी तैयारी बहुत पहले सर्दियों में शुरू कर दी गई थी। ज़ेलेंस्की खुद ऐसे फौजी अफसरों से मिलते रहे जिसे वो इस ब्रिगेड के अलग अलग हिस्सों की कमान देना चाहते थे। ज़ेलेंस्की ने अपनी 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड को अब पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। नीप्रो नदी के आसपास और ज़ापोरिज़िया के फ्रंट पर ये फोर्स अपना शिकार तलाश रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस फैसले के बीच बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर एक, ऐसी नौबत क्यों आई कि ज़ेलेंस्की को अपने सबसे बेहतरीन कमांडो फ्रंट पर भेजने पड़े। सवाल नंबर दो, अगर ये कमांडो ब्रिगेड भी फेल हुई तो ज़ेलेंस्की के पास प्लान बी क्या है। सवाल नंबर तीन, ये कमांडो ब्रिगेड हारे तो नेटो के हथियार भी पुतिन के कब्जे में आ जाएंगे, तब बाइडेन क्या करेंगे। ज़ेलेंस्की इस वक्त वाकई बहुत बुरी हालत में है, उनकी फौज हर मोर्चे पर पिटी जा रही है, पुतिन के सैनिक उनको भगा भगा कर मार रहे हैं। खारकीव के दक्षिण से लेकर खेरसोन के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की अब फेल होते जा रहे हैं। उनके सैनिकों को पता है कि बखमूत और बाकी मोर्चों पर यूक्रेन की फौज को रूस ने चुन चुन कर मारा है। बखमूत में जो गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पुतिन के तोप के गोले जब फटते हैं तो साथ में उस फौजी का नाम लिख कर लाते हैं जिसके पास उसकी जद में आने के बाद दम तोड़ने का वक्त भी नहीं होता। पुतिन बखमूत में लगातार मौत बरसा रहे हैं। बखमूत यूक्रेन का दलदली कब्रिस्तान बन चुका है। बखमूत में पुतिन ने ज़ेलेंस्की बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। अब एक खबर है जो ज़ेलेंस्की के ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर कर सकती है। रूस का दावा है कि उसने डोनेस्क के मोर्चे पर काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की 31वीं बीएमपी और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। अगर ऐसा वाकई हुआ है तो ज़ेलेंस्की की बख्तर वाली फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे काउंटर अटैक बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ऐसे ही हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काउंटर अटैक तेजी से आगे बढ़ सकता है। रूस का दावा है कि जब से काउंटर अटैक शुरू किया गया है यूक्रेन के करीब 60,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, यानी जून के बाद से हर महीने यूक्रेन के 20,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इन तीन महीनों यानी जून से लेकर अगस्त तक यूक्रेन के 5,000 बड़े हथियार तबाह किए जा चुके हैं। इनमें टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, इनमें तोप भी हैं और हेलीकॉप्टर के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जाहिर है आप इसे 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड कहें या फिर ज़ेलेंस्की के सबसे खूंखार कमांडो या फिर ज़ेलेंस्की के वो फिदायीन फोर्स तैयार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पुतिन को सबक सिखाने का ख्वाब सिर्फ ज़ेलेंस्की का नहीं है। ज़ेलेंस्की की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड अब मोर्चा दर मोर्चा आगे बढ़ना चाहती है और इनके टारगेट पर ज़ापोरिज़िया की आगे का इलाका भी है। इनके टारगेट पर पुतिन और उनकी फौज। लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये भी है कि एक तरह से बखमूत को बचाने में फेल साबित हुए ज़ेलेंस्की ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी। वो बहुत से मोर्चे हार चुके हैं,
और अब युद्ध को रूस में ले जाते हुए उनकी ड्रोन फोर्स मॉस्को को भी टारगेट कर रही है। हालांकि कई हमलों के बाद इससे युद्ध पर रूस की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल हो चुके हैं। दूसरे साल में चल रहा युद्ध धीमा होने के बजाय और खतरनाक हो गया है और सबकी नजर अब उन इलाकों पर जहां ज़ेलेंस्की अब भी डटे हुए हैं, क्योंकि पुतिन बखमूत और आसपास मिली कामयाबी के बाद कीव की तरफ कूच करना चाहते हैं ताकि डोनबास पर दबाव कम किया जा सके और ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सके, यानी यूक्रेन का पावर सेंटर कैपिटल कीव इस वक्त पुतिन की नजरों में है। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अजोव सागर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया हुआ है। यूक्रेन की सेना चाहती है कि वो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से होते हुए अजोव सागर तक पहुंच सके, जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। यानी अगर यूक्रेन की सेना रूस के इस जमीनी पकड़ को कमजोर कर देती है तो क्राइमिया पर हमला आसान हो जाएगा। इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर से भी लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया था तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के रोबोटिन शहर से होकर गुजरता है। यूक्रेन के हमले बेशक और तेज होते जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी कि रूस की सेना ने अब भी यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाके में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बावजूद इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? पुतिन का यूक्रेन को हासिल करने का सपना पूरा होगा या फिर कीव पर कब्जे की तरह ये भी अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? क्योंकि यूक्रेन की सेना का नाइट ऑपरेशन रूस के लिए नई मुसीबत बनी हुई है।